17वां आजादी का जश्न मना रहा है। वाघा बॉर्डर पर जवानों में हाई जोश दिख रहा है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों लोग बीटिंग द रिट्रीट समारोह में पहुंचे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देशभक्ति से उत्प्रोत माहौल देखने को वहां पर मिल रहा है। जवानों का शौर्य देखकर लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर। वाघा बॉर्डर पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से ये वाघा बॉर्डर गूंज रहा है। ये तस्वीरें देखिए। और हर बार स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी का दिन हो, इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको अटारी वाघा बॉर्डर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। देशभक्ति के गानों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। और आप देखिए दर्शक दीर्घा में कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। वाघा बॉर्डर पर जवानों का जोश, और हर बार जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो एक अलग तरीके का उत्साह, और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते भी हैं। जो खास कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर होता है, उन आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए। आजादी के जश्न की ये तस्वीरें। भारत आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और ये तस्वीरें सीधे अटारी वाघा बॉर्डर से। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अमनदीप दीक्षित हमारे साथ तब से थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं अटारी वाघा बॉर्डर से, जहां पर ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल एके सिवाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक अलग तरीके की तस्वीर अटारी वाघा बॉर्डर से, देशभक्ति के गाने, लोग वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद, और एक अलग माहौल वहां पर होता है आज के दिन। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और हमको लग रहा है कि भारत 1947 में जहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ पहुँच गया है, कि किसी ज़माने में बहुत ही पुअर कंट्री होते थे, आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और फास्टेस्ट डेवलपिंग इकॉनमी कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद, और आने वाले कुछ एक चंद साल में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेंगे, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है कि जो वाइब्रेंट है और एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक सबक सिखा सकता पूरे वर्ल्ड को, जिस प्रकार से शांति सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल भारत देता है। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, तो ये एक बहुत ही निराली चीज़ है। और जिस प्रकार से पूरे भारत में ये उत्साह है आज की तारीख में, ये जिस प्रकार से खुशी का माहौल पैदा हुआ है, ये दिखलाता है कि भारत जो है आने वाले समय में एक रोड मैप तैयार कर रहा है कि डेवलपमेंट के रूप में, जिससे भारत फुली डेवलप्ड हो जाएगा 2047 तक। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेड फोर्ट से ये बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में बताया कि कैसे हम इकोनॉमी डेवलपमेंट करेंगे, किस प्रकार से हमारे माइलस्टोन हैं, कैसे हम 2047 तक ये पगार जो है इसको पावन कर लेंगे, कि जो कि है डेवलप्ड नेशन, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन होगा 2047 तक। और यही नहीं, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट की बात की प्रधानमंत्री ने, कि वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, है भी, और उससे और आगे दिया जाएगा। और तीसरा जो टारगेट किया था यूथ,
क्योंकि यूथ जो है ठीक है। शिवाज सर मैं आपके पास आता हूँ, अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमनदीप जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ एक अलग तरीके की, एक अलग तरीके का करंट है, एक अलग तरीके का जोश है, एक अलग तरीके का ऊर्जा है। जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्या माहौल है। कैमरा घूमेगा बहुत, कैमरा हैंड। अमनदीप आवाज आ रही है आपको? अमनदीप आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है शायद फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन उनका कट चुका है। शिवाज सर 77 साल आजादी के, और जहां पर भारत आज खड़ा है कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारी बाधाएं भी हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं, और लेकिन एक बात है कि भारत एक ऐसी शक्ति जिसे आज के डेट में दुनिया ध्यान से सुनती है। भारत के प्रधानमंत्री कहीं खड़े होकर बोले, भारत को कोई नकार नहीं सकता है, और भारत के बिना ये विश्व आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बोला आप। आज भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरा है। G20 के अंदर हमने जो पिछले साल भारत के अंदर मीटिंग कराई थी दिल्ली के अंदर, कौन भूल सकता है, जिस प्रकार से एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड मीटिंग थी, और हमने ग्लोबल साउथ को अभी G20 में भी ले लिया। तो भारत का जो डेवलपमेंट है वो काबिले तारीफ है। अगर आप पूरे चारों तरफ भारत के देखें, साउथ एशिया में ज़्यादातर जो देश हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो डिगमगा गई है। चाहे पहले जो बैंड है, जो पेट्रियोटिक ट्यून्स हैं, उनसे परेड शुरू हुई है। BSF का खुद का बैंड है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और पीछे सारा का सारा स्टेडियम जो है वो पूरा भरा पड़ा है। एक भी सीट उसमें ऐसी नहीं है जो खाली दिख रही हो। ये तस्वीर देखिए, यानी कि बैंड से इस परेड की शुरुआत होती है, उसके बाद ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत 6:30 बजे होगी। बैंड अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे लोग पहुंचे, और इनकी संख्या जो है वो आज बता रही है कि देश किस तरह से इंडिपेंडेंस डे के रंग में डूबा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए पीछे, लगभग 25,000 से 30,000 का जो लोग हैं यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, और 25,000 से 30,000 लोग इस समय की गूंज से ये बात बता रहे हैं कि आज वो कितने खुश हैं। अपनी तालियों की गूंज से वो हर चीज का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उनके हाथ में झंडे हैं, उनके हाथ में चेहरे पे ट्राई कलर है, तिरंगा बना हुआ है, इसी बात का वो सबूत दे रहे हैं, क्योंकि ये अटारी वाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, और अभी तालियों के साथ इस बैंड। ठीक है, चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तस्वीरें जो आप दिखा रहे थे, अलग तरीके का माहौल, देशभक्ति से भरा हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया शिवाज सर।